आज अचानक पिताजी गांव से घर आ पहुंचे। मैं तो उन्हें देखकर चौंक ही गया। महीने के आखिरी दिन चल रहे हैं और हाथ भी बहुत तंग है। बाबा न जाने क्या मांग बैठे। बाबा आप आइए ना। लगता है बाबा को पैसों की जरूरत आ पड़ी है, वरना यहां कौन आने वाला था। इस बार पैसे की समस्या कुछ ज्यादा ही हो गई है। पत्नी के इलाज के लिए भी पूरी दवाइयां नहीं खरीद पा रहे हैं। अगले महीने बड़े बेटे का जन्मदिन है और उसे भी कपड़े और जूते दिलाने हैं। बाबा को भी अभी आना था। आज ये शांति बड़ी अजीब सी लग रही है। पत्नी की नजर भी सीधे दिल में चुभ रही है और सामने बाबा इतने आराम से खाना खा रहे हैं। यहां मेरी घबराहट बढ़ती जा रही है। बाबा न जाने क्या बोलने वाले हैं। सुनो 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 बेटा, बैठो। मैं शंकित हूं कि बाबा कोई ना कोई आर्थिक समस्या लेकर आए हैं। बेटा, खेती के काम में घड़ी भर की फुर्सत नहीं मिलती। इस वक्त काम का बहुत जोर है। रात की गाड़ी से वापस चला जाऊंगा। 3 महीने से तुम्हारा फोन नहीं आया, लेकिन कोई बात नहीं, मैं जानता हूं तुम परेशान रहते हो तभी ऐसा करते हो। रख लो। लेकिन बाबा। रख लो, तुम्हारे काम आएंगे। इस साल धान की फसल बहुत अच्छी हुई है और गांव में कोई दिक्कत भी नहीं है। तुम बहुत कमजोर लग रहे हो, ढंग से खाया पिया करो और बहू का भी ध्यान रखा करो। बाबा तो मेरे परिवार के लिए कितना सोचते हैं और मैं उनके बारे में क्या सोच बैठा। तरस आता है मुझे अपनी सोच पर। सच में माँ बाप तो भगवान होते हैं। ले लो, रख लो, बहुत बड़े हो गए हो क्या। नहीं तो बाबा। कभी कभी हमारे समझने में बहुत बड़ी गलती हो जाती है। माँ बाप कभी गलत नहीं होते हैं। बचपन में मुझे स्कूल भेजने के पहले बाबा मेरी जेब में अठन्ने डाल दिया करते थे, पर तब मेरी नजरें आज की तरह झुकी नहीं होती थी। दोस्तों, एक बात हमेशा ध्यान रखें, माँ बाप अपने बच्चों पर बोझ हो सकते हैं, बच्चे माँ बाप पर कभी बोझ नहीं होते।